नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे भगवान शिव की परिक्रमा आपको कैसे करनी चाहिए। अधिकांश लोगों को यह भ्रम रहता है कि भगवान की पूरी परिक्रमा हमें करनी चाहिए, भगवान शिव की। विशेषकर भगवान शिव के बारे में ही ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव की ही परिक्रमा केवल आधी की जाती है। आधी का अर्थात है कि पूरी जो जलहरी होती है उसको कभी भी लांघना नहीं चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान है और शिव महापुराण में भी ऐसी कथाएं आई हैं, वर्णन आया है, जहाँ पे लांघने के बाद जिन जिन से यह घोर पाप हो गया जाने अनजाने में, उनको किसी अन्य योनि में जन्म लेना पड़ा और उसके बाद वह भोगने के बाद, वह कष्ट लेने के बाद उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हुई जब उन्होंने साक्षात महादेव की आराधना की। तो ऐसे में आज मैं स्पष्ट क्रिया करके दिखाऊंगा कि कैसे आप महादेव की परिक्रमा लगा सकते हैं और कितनी परिक्रमा आपको लगानी चाहिए। सबसे पहले महादेव को प्रणाम करें, उनकी जलहरी में रिपीट कर, कभी भी जो भगवान शिव पे चढ़ा हुआ जल होता है उसको पीना नहीं चाहिए। ऐसा विधान है कि उससे प्रक्षालन आप कर सकते हैं लेकिन उसे पीना नहीं चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि भगवान शिव साक्षात माँ गंगा के समक्ष स्थित हैं और इनकी परिक्रमा कैसे लगाई जाए उसी के बारे में ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले भगवान शिव को हमने प्रणाम किया और देख सकते हैं आप ये जलहरी है और ये ऐसे सामने ही नंदी महाराज होते हैं, तो आपको यहाँ से परिक्रमा प्रारंभ करनी है। इस बात का ध्यान देना है कि उनके समक्ष से आपको यहाँ से परिक्रमा प्रारंभ करनी है। ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर चलता रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। ये मानिए अब यहाँ पे आके आपकी एक परिक्रमा पूर्ण हुई। एक परिक्रमा आपकी, मतलब ये होता है, अर्थ यह है कि आपको लांघना नहीं है जो भगवान शिव की जलहरी है उसको लांघना नहीं है। उसके बाद पुनः से लौटेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। यह आपकी दूसरी परिक्रमा हो गई। तत्पश्चात इसी प्रक्रिया में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से आपने तीन परिक्रमा लगाई और भगवान की तीन ही परिक्रमा विशेष मानी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा आप, क्योंकि इनकी आभा जो रहती है, जो आसपास का ऊर्जा रहती है, वही हमें ग्रहण करनी होती है और वो स्वतः ही हमें ऐसे ग्रहण हो जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जो जलहरी होती है उसको कभी ना लांघें। ये आप देख सकते हैं ये जलहरी है और ये साक्षात नंदी महाराज बैठे हैं, उनके समक्ष ही ये जलहरी, और यहाँ पे तो इसको यहाँ से निकासी की गई है, तो यह तो स्वतः माँ गंगा के तट पे हैं और साक्षात गंगा में प्रवाहित हो रही हैं जो भी जल चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान की परिक्रमा लगानी चाहिए साक्षात महादेव की। और आने वाला है श्रावण मास, तो विशेषकर आप भगवान शिव की परिक्रमा जरूर लगाएं। तो मित्रों, ऐसी ही कुछ खास जानकारियां लेकर हम आपसे जुड़ते रहेंगे। आप यूं ही हमारे चैनल में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।